मेरे प्यारे एथलीट्स, आप भी जानते हैं कि कभी भी हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं रही है। देश में जीत का जज्बा हमेशा था। हमारे खिलाड़ियों ने पहले के समय में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियों की वजह से मेडल के मामले में हम पीछे ही रह जाते थे। इसलिए 2014 के बाद से भारत अपने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने में, उसके कायाकल्प में जुटा है। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिले। भारत का प्रयास है भारत के खिलाड़ी को देश और विदेश में खेलने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारा प्रयास है भारत के खिलाड़ी को चयन में पारदर्शिता मिले, उसके साथ भेदभाव न हो। हमारा प्रयास है गांव देहात में रहने वाले स्पोर्ट्स टैलेंट को भी ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। हमारे सभी खिलाड़ियों का मनोबल बना रहे, उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो, इसके लिए हम पूरी शक्ति लगा रहे हैं। 9 साल पहले की तुलना में खेल का बजट भी 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। हमारी टॉप्स और खेलो इंडिया स्कीम्स गेम चेंजर साबित हुई है। और मेरा तो गुजरात का अनुभव है, गुजरात के लोग एक ही खेल जानते हैं, पैसों का। लेकिन जब खेलो गुजरात शुरू किया तो ऐसे धीरे 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 करके एक स्पोर्टी कल्चर बनने लगा। और उसी अनुभव से मेरे मन में आया था और उस अनुभव के आधार पर ही खेलो इंडिया हमने यहाँ आरंभ किया और बहुत सफलता मिली। साथियों, इस एशियन गेम्स में करीब 125 एथलीट्स ऐसे हैं जो खेलो इंडिया अभियान की खोज है। इनमें से 40 से ज्यादा ने मेडल भी जीता है। खेलो इंडिया अभियान से निकले इतने सारे खिलाड़ियों का पोडियम तक पहुंचना, ये दिखाता है कि खेलो इंडिया अभियान सही दिशा में है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आप जहां से भी हैं, वहां के स्कूल कॉलेज जब भी बात करें, हर एक को खेलो इंडिया में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। उसी में से उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। टैलेंट की पहचान से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग और दुनिया की बेस्ट कोचिंग तक, आज भारत किसी में भी पीछे नहीं है। इस समय आप देखिए, मैं अभी की बात कर रहा हूं, इस समय 3000 से ज्यादा प्रतिभाशाली एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के जरिए उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनकी कोचिंग, मेडिकल, डाइट, ट्रेनिंग के लिए सरकार हर खिलाड़ी को हर साल 6 लाख रुपए से ज्यादा की स्कॉलरशिप भी दे रही है। इस योजना के तहत अब करीब 2500 करोड़ रुपए की मदद सीधी एथलीट्स को दी जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोशिशों के लिए पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। सरकार आपके लिए, खेल जगत के लिए अगले 5 साल में 3000 करोड़ रुपए और खर्च करने जा रही है। आज देश के कोने कोने में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं।